हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता देती हूँ। ये है टी लाइट कैंडल्स। आपको नॉर्मल ऐसे कैंडल्स मिल जाएंगे, बट ये कुछ स्पेशल है। आप देख सकते हो, सबसे पहले ये रेड कलर का टी लाइट कैंडल है, ठीक है। इसमें स्टोन है, क्लियर क्वार्ट्ज है, एंड इसमें हर्ब्स है, जो हर्ब्स आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेंगे। एंड ये कैंडल है, ठीक है। मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ बताऊँगी। और ये रेड कलर फॉर लव, दिस इज़ फॉर दोनों के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप में रोमांस ज़्यादा लाने के लिए। दिस इज़ फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। आपका मनी फ्लो आपको बढ़ाना है लाइफ में। इसमें भी जो है क्रिस्टल है, ठीक है, रेड कलर का क्रिस्टल है। एंड इसमें फ्लावर्स है, हर्ब्स है, एंड दिस इज़ ऑल्सो करियर। कोई भी आपको जॉब अचीव करना है, उसके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, आप इसको कर सकते हो। मतलब ये आप मिलेगा आपको, इसके साथ आपको क्रिस्टल भी फ्री मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको यूज़ कैसे करना है ये सारी चीज़ों को, आपको परचेज करना पड़ेगा। और बेस्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मैं ऐसे ही आप लोगों को कुछ चीज़ें सजेस्ट नहीं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मैं अगर खुद यूज़ ना करूँ, मुझे बिलीव ना हो, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैं मानती हूँ कि ये जो कैंडल्स है, आप फुल मून पे आप सिंपल कैंडल्स जलाते हो। कुछ लोग सिंपल कैंडल्स जला के क्या करते हो कि उसको विश बोलते हो, बट ये आप एक बार करो, आपकी विश जो जल्दी पूरा होगा ना, वो फास्ट हो जाएगा। इसका कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। जो भी छोटे मोटे प्रोसेसेस है, मैं आपको करके एनर्जाइज करके दे दूंगी। और आपको थोड़ा सा एक काम इसमें करना पड़ेगा, फिर आप इसको फुल मून के दिन जलाना। फुल मून आ रहा है, नेक्स्ट वीक है फुल मून, बहुत कम दिन रह गया है। जल्दी जल्दी आपका जो भी पर्पस है, उस पर्पस के लिए बुक करो। या फिर आपको अगर मिक्स चाहिए, करियर एंड लव लाइफ प्रोस्पेरिटी, वो भी आपको सेट मिल जाएगा, बहुत कम प्राइस में है। मुझे इंस्टा पे डीएम करो, टैरो ट्रेडर सुबह स्मिता, जो चैनल का नाम है वही इंस्टा पे मेरा पेज है, ठीक है। एंड जल्दी से बुकिंग करो, मैं आपको गारंटी दे के बोलती हूँ। इस तरीके की कैंडल्स आप यूज़ करके फुल मून के दिन अपनी विश फुलफिल करोगे, उस फुलफिल के लिए आप रिचुअल करोगे, तो 100 टाइम्स जल्दी आपका काम होगा। प्लस इस तरीके की कैंडल्स आपको इजीली मार्केट में मिलेंगे भी नहीं। चलो अब हम रीडिंग्स पे आते हैं। मैं इनको यहाँ रखती हूँ, और जो भी लेना चाहते हैं मुझे सिंपल सा एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना आप, ठीक है, इंस्टा पे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं करने वाली हूँ कैंडल रीडिंग। आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए क्या वो स्ट्रांग फीलिंग है, क्या वो हिडन फीलिंग्स है जो इस वक्त वो आपको नहीं बता रहे हैं, उनके दिल में है। तो अभी आप फोकस कीजिए आपके पार्टनर के ऊपर, उनके बारे में सोचिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगा। ओके सी, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं, बार बार आपको बहुत सारी साइन दिया करते थे कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। इस वक्त वो वही चीज़ आपको बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बार बार बहुत ज़्यादा साइन दिया करता था कि सी मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं किस वक्त गुस्सा हूँ, मैं किस वक्त तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, किस वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। यू नो, बहुत सारी चीज़ें जो है ये पर्सन आपको बार बार, क्योंकि सामने से बोलेंगे तो आप हर्ट हो जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें वो बार बार आपको शो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए। और वो आपको ये बोल रहे हैं कि ठीक है, मुझे अब समझ आया कि तुम बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आया कि मुझे थोड़ा सा टाइम और स्पेस चाहिए था। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी अगर उन्होंने अपने साइड से पूरी तरीके से टाइम स्पेस
दोनों ही ले लिया है, तो आपके पार्टनर उनके खुद के ऊपर अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक इंसान जो अपने जीवन के ऊपर फोकस करता है, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करता है, तो इस वक्त वो अपने लाइफ के ऊपर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जैसे ट्राई कर रहे हैं खुश होने का, बट वो खुश नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, एंड आपकी अगर मैं बात करूं तो देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी भी सूरत में आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करके या फिर कैसे भी करके आप लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सारा फेल हो गया। यहाँ पे मुझे इमोशन दिख रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड एरी सजिटेरियस लियो दिख रहा है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांगली है, लिब्रा जमनाई ये बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ठीक है, और एक चीज़ बोलूँ, ये जो है ना, इसका सेंट इतना अच्छा है, मेरा जो पूरा रूम है ना वो महक रहा है इस वक्त। और यहाँ पे अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सब्र से ये चीज़ों का वेट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो होता है कि सब्र कोई छोटी मोटी बात होती नहीं है, बहुत लाइक बहुत मुश्किल होता है। आपसे कौन बेहतर जान सकता है सब्र करना कितना मुश्किल होता है, बट स्टिल आप कर रहे हो। और धीरे धीरे आपके पार्टनर भी सब्र करना सीख चुके हैं या फिर सब्र कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि वो आपके लाइफ में लौट सके। ठीक है, क्योंकि somehow उनको ये चीज़ फील हो रहा है कि आपसे दूर होके वो कभी आपसे माफ़ी नहीं पा सकते हैं। उनको माफ़ी पाने के लिए आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। जो आधी अधूरी जो ख्वाहिशें हैं, ठीक है, आप दोनों की, कुछ ख्वाहिशें आपकी, कुछ ख्वाहिशें उनकी, जो अधूरी ख्वाहिशें हैं वो बिल्कुल जो है पूरा करना है। तो इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे के पास आना है, एक दूसरे के साथ आना है। रिश्ता ऐसे आधी अधूरी नहीं टूटती है। ठीक है, कोई किसी के पास चला गया, इससे कभी रिश्ता नहीं टूटता है। थोड़ा सा अगर आप इनको इस वक्त मैसेज वो अगर डालते हैं, आप अगर लेट रिप्लाई करना स्टार्ट करो तो बेहतर होगा, मैं आपको सजेशन दूंगी। क्यों? क्योंकि ये आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। इस वक्त अगर आप थोड़ा सा अटेंशन को साइड करते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो इंसान जब जो चाहे उसको वो मिल जाए तो वो कदर करना कम कर देता है, राइट? तो अगर आपके पार्टनर को आपका अटेंशन चाहिए दो, लेकिन थोड़ा डिले करके दो, तो चीज़ें क्या होगा ना, थोड़ी बेहतर और चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आप एक स्टार की तरह, मुझे यहाँ पे स्टार दिख रहा है, तो आप बहुत ज्यादा उनको एक स्टार की तरह दिखते हो। ऑल्सो स्टार एक्वेरियस एनर्जी होती है, एंड मुझे लगता है कि आपके एफर्ट से ये बहुत खुश होते हैं। आप जितने भी छोटी छोटी, आपने सिर्फ छोटी छोटी नहीं, आपने बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी एफर्ट्स डाली है रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो जितना भी आपने एफर्ट डाला है, वो सारे एफर्ट के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं, जब भी वो आपके एफर्ट्स को देखते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। आई थिंक ये पर्सन फील करते हैं आप सिर्फ लव के लिए नहीं, आप एक ट्रू फ्रेंड भी हो। बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी निभाते हो और आपने उनके साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभाया है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर बहुत ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है, आप तो उनको स्टॉक करने के लिए जाते हो, बट वो अगर बहुत ऑनलाइन रहते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं इतना ऑनलाइन रहता हूँ, और वो उनको पता है आप स्टॉक तो उनको करते ही होंगे, आप दिन में एक दो बार तो जाते ही होंगे उन्हें देखने के लिए, राइट? तो आप जो करते होंगे ना उस वक्त, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये फील करते होंगे कि आपको फील हो रहा होगा वो ऑनलाइन है, वो किसी और से बात कर रहे हैं, एक्चुअली में वो बहुत अकेले हैं, वो ऐसे ही वीडियोस देखते रहते हैं, मैसेजेस देखते रहते हैं। तो आप जो लोग भी परेशान होते हो अपने पार्टनर को देख के कि ये मुझे रिप्लाई नहीं करता, ये बंदा ये बंदी ऑनलाइन है, तो डोंट वरी, सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा कोई किसी से बात करेगी ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों का कॉल, चैट, मीट्स, मैसेजेस कुछ नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बट स्टिल कहीं ना कहीं हर रोज़ रात को जब ये इंसान सोते हैं, आधी रात को नींद खुलती है, तो आपकी याद एक बार ज़रूर आती है। ठीक है, ब्लैक कलर किसी को यहाँ पे पसंद है, आपको या फिर आपके पार्टनर को ब्लैक कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद दिख रहा है। देखो, आई थिंक आप हंसा करो आपके पार्टनर को, मैं नहीं बोलूँगी चुभती है ये बात, लेकिन हाँ, अगर आप हंसते हो, अगर आप खुश होते हो, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक थॉट आती है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है इसके जीवन में, ये इतनी खुश, इतना स्वस्थ मस्त, किस तरीके से क्या चल रहा है लाइफ में। ठीक है, तो आप हंसते रहा करो, बहुत कुछ उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या खोया है। वो जब जब भी देखते हैं आपको, ठीक है, देखते हैं कि आप लाइफ में जो है आगे बढ़ रहे हो, तो उनको इंस्टेंटली एहसास होने लगता है कि उन्होंने क्या खोया है। ठीक है, इंसान को एहसास तो करवाओ ना, और थोड़ा सा उनको इग्नोर भी करो, ठीक है, अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी चीज़ों को लेके बुरा मान जाते होंगे। ठीक है, बहुत जल्दी बुरा मान जाते होंगे, छोटी छोटी बातों को लेके बुरा मान जाते होंगे, गुस्सा करते होंगे आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फील करवाते होंगे, आपको फील करवाते होंगे कि इतना क्यों बोल रहे हो, इतना क्यों हंस रहे हो, इतना क्यों ऐसा हो। अब तब उस वक्त जो भी कॉम्प्लेक्स फील करवा था, इसीलिए क्योंकि एक कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ उनको स्पेस चाहिए था। उनको अभी वो चीज़ मिल गया है ना, तो वो सबसे ज़्यादा वही चीज़ को मिस कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको ना एक सुकून मिलता था, आपको डांट के उनको सुकून मिलता था। ठीक है, क्योंकि उनको पता है आप डांट खा के चुप रह जाओगे, या फिर आप दो बातें उनकी सुनोगे और आप चुप रह जाओगे, मैनेज कर लोगे, तो उनको एक सुपीरियरिटी फील होती थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। अभी उनकी कोई बात नहीं सुन रहे, इवन अगर थर्ड पार्टी भी है ना, तो थर्ड पार्टी भी बोल ही देती है कि कौन हो भाई तुम मुझे इतने जोर से बोलने वाले, राइट, लो टॉन्ट मार ही देती है। तो इनके पास कोई नहीं है जो सुने, इनकी गुस्सा भी सुने, इनका प्यार भी सुने, ये नहीं है। तो इसीलिए ये पर्सन सैड फीलिंग्स इनको बहुत ज़्यादा है कि ये है। और एक चीज़ कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है, वो बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे और मैसेजेस नहीं करोगे, मतलब आप उनको नहीं करोगे, क्योंकि पता है आपको कि बार बार मैसेज कॉल करके आप थक गए हो, आप और ज़्यादा एफर्ट डाल के अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हो, कि ये चीज़ उनको पता है। लेकिन हाँ, लेकिन जब जब वो आपको ऑनलाइन देखते हैं, सी जो लोग अनब्लॉक हो, ब्लॉक तो जो लोग हो वो आपको अनब्लॉक करके डेफिनेटली स्टॉक करते हैं। जब आप दोनों की बात होगी ना, तब आप पूछना कि क्या कभी मुझे अनब्लॉक करके स्टॉक करते थे, वो अगर हाँ नहीं बोले तो मुझे बोल देना, क्योंकि जो लोग ब्लॉक करते हैं वो देखने के लिए आते हैं तुम हो किस हालत में। तो जो वो 5 मिनट का देखते हैं ना, तुम्हें उस वक्त खुश दिखाना है खुद को, तो हमेशा खुश रहो, राइट। और जो लोगों का अनब्लॉक सिचुएशन है, एक दूसरे को ऑनलाइन देख सकते हो, तो ये पार्टनर आपको ऑनलाइन देख के बहुत बार ये फील करते हैं, बहुत बार ये सोचते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे कॉल मैसेजेस नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम बहुत बार हर्ट हो मुझसे, तो इस बात के लिए थोड़ा सा उनको बुरा लगता है, बट वो सोचते हैं हाँ कि ये मेरा ही कर्मा है और क्या। सी, मुझे लगता है कि ना आपका जो वो है ना, कि आप इनको ये बोलना चाहते हो कि देखो तुम्हें तो नहीं पता, बट मैं बहुत तरस रही हूँ तुम्हारे साथ बात करने के लिए। ठीक है, तुम ये चीज़ फील करो, बट उनको दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम तरस रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल मत करो। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहते हैं कि इन दिनों मैं फ्री हूँ, मैं ज़्यादा बिजी हूँ नहीं, मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उनके साइड से वो कैसे क्या करे, उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जो है उनको परेशान नहीं करना चाहते हो, कि नहीं डांट नहीं खानी है, परेशान नहीं करना है, इंतज़ार कर लेंगे लेकिन डांट नहीं खानी है। ठीक है, ये पर्सन आपको कुछ दो तीन चीज़ों के लिए डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं, तुम्हें रुलाने के लिए जितना तुम्हें रुलाया है, और
तुमने जितना कदर किया है उस कदर को ना समझने के लिए और तुम्हारा ट्रस्ट खोने के लिए, तीन चीजों की वजह से आपको वो सॉरी बोलना चाहते हैं। और एक चीज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो कुछ कुछ चीजों में बिल्कुल कसम आपकी खाने के लिए रेडी है कि वो आपको कितना मिस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक इंसान जो है कसम खाता है कि सी मैं कसम खाता हूँ या फिर कसम खाती हूँ मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ या फिर बहुत मिस करती हूँ। ठीक है, आप अगर स्टेटस डालते हो ये पर्सन देख लेते हैं तो उनको इंस्टेंटली बहुत बुरा लगता है। सैड स्टेटस वगैरह डालते हो ये देख लेते हैं तो इंस्टेंटली उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अगर नहीं देखते हैं ये स्टेटस तो याद रखो ये जानबूझ के नहीं देखते हैं क्योंकि उनको पता है आपने क्या स्टेटस डाली होगी, किस वजह से डाली होगी। ठीक है, देखो ये इंसान को थोड़ा खामोश रहना पसंद है, थोड़ा सा चुप्पी साधना, थोड़ा सा खामोश रहना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आप थोड़े से चुलबुल टाइप के हो, हंसते हो, तो मुझे लगता है कि दोनों को ही रिलेशनशिप में वर्कआउट करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, वन सेकेंड, अगर कोई और रीज़न है लाइक करियर का रीज़न है या फिर थर्ड पार्टी का रीज़न है, फैमिली का रीज़न है, कोई भी रीज़न है आपके रिलेशनशिप के लिए, व्हाट इज़ नेक्स्ट, अब उस चीज़ के लिए ये पर्सन क्या फील करते हैं। देखो आपके पर्सन फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते, अगर फैमिली इशू है या फिर करियर इशू है वो नहीं छोड़ना चाहते, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ देना चाहते हैं। बात नहीं हो रही है मे बी दोनों के बीच में, बट वो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा कार्ड भी देखती हूँ, वन सेकेंड। ओके, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें और ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और ये क्या फील करें। मैं आपको एक बात बताऊं बताती हूँ, वन सेकेंड। मैं कार्ड को सफल कर रही थी, ये कार्ड डायरेक्टली गया और ये जो मैं कैंडल वॉक्स रीडिंग कर रही थी इसमें गिरा। ठीक है, मतलब कहीं नहीं गिरा, इसी में गिरा। तो मुझे लगता है कि वहाँ की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी है तो इसीलिए ये कार्ड जाके अचानक से गिरा। एंड ये कार्ड है रिलीज योर पास्ट का कार्ड। आई थिंक आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि पास्ट मतलब आप दोनों के बीच में जो पास्ट में हो गया था आपको वो रिलीज करना है, या फिर आप जितना दुखी रहते हो, जितना परेशान, जितना सैड रहते हो, आपको उसी तरीके से आपकी पास्ट को रिलीज करना है। ठीक है, आई थिंक मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप भूल जाओ इस रिश्ते को, बट आपको कहीं से कॉर्ड कटिंग करना पड़ेगा, पीछा छुड़ाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसी तरीके से परेशान रहोगे। तो आपको थोड़ा सा अपने पास्ट को, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल तो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है इन जस्ट उसके लिए हमें कार्ड दीजिए। प्रेगनेंसी, सी प्रेगनेंसी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि इंसान प्रेग्नेंट हो जाता है। हाँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, आप हस्बैंड एंड वाइफ अगर हो तो प्रेगनेंसी का आप न्यूज़ सुन सकते हो, उससे आपका बॉन्ड अच्छा होगा। बट इसके अलावा एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि न्यू स्टार्ट। ठीक है, ये एक न्यू लाइफ का कार्ड है, न्यू स्टार्ट का कार्ड है, तो दोनों के बीच में चीज़ें न्यू स्टार्ट जो है वो हो सकता है, उसका चांसेस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, न्यू स्टार्ट बिटवीन यू बोथ। ठीक है, मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी और सोचना नहीं चाहते। ठीक है, बहुत हो गया सोचना, बहुत हो गया सोच विचार करना, डायरेक्टली रिलेशनशिप के ऊपर एक्शन लेते हैं, डायरेक्टली रिलेशनशिप को न्यू स्टार्ट करते हैं। एंड आई थिंक आप जैसे हो ये पर्सन आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वैसे ही अप्रिशिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आपके पर्सन की फीलिंग्स, एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें और ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है। सेकंड चांस, डेफिनेटली ये पर्सन एक सेकंड चांस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि उनके दिल में है ये चीज़, न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग करते हैं। ये कैसे होगा, ये एक सेकंड चांस से होगा, एक दूसरा मौका से होगा। तो डेफिनेटली
अगर आप दोनों चाहो एक दूसरे को दूसरा मौका ज़रूर दो, आप ज़रूर दो, और ये पर्सन चाहते हैं तो घूम फिर के आपके पास वापस आएंगे। और मुझे लगता है दूसरा नहीं, कितने लोगों के लिए तीसरा, चौथा, दसवां मौका होगा, राइट? आपके पार्टनर ने, आपने ऑलरेडी बहुत मौके दे चुके हो, फिर मौका दे रहे हो, ये चाहते हैं, ये बार बार मौका चाहते हैं और आप बार बार मौका देते रहते हो। ठीक है, आपका रिलेशन है वो मैं ज़्यादा कुछ आपको बोलूँगी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉलिट्यूड। बहुत ज़्यादा जकड़े हुए, बंधे हुए, मुझे सडनली वर्गो एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा जकड़े हुए, बंधे हुए, परेशान मुझे ये पार्टनर आपके दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे भी है खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, लाइक मेरे पास कोई है नहीं दुख सुख शेयर करने वाला, ये चीज़ उनके दिल दिमाग में चल रहा है। वट इज नेक्स्ट, और क्या, पेशेंस। बहुत समय निकल गया है, बहुत समय गुजर गया है और बहुत पेशेंसली आपने वेट भी किया है इस रिलेशनशिप के लिए, बट यहाँ पे पेशेंस मुझे थ्री ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिखाई दे रहा है। और यहाँ के साथ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जहाँ पे भी अकेले हैं, जहाँ पे भी चुपचाप बैठे हुए हैं, बहुत पेशेंसली चीज़ों को लेके वेट कर रहे हैं, बहुत चुपचाप वेट कर रहे हैं। एंड वो आपको भी इस चीज़ का भनक नहीं लगने देना चाहते कि वो भी सही वक्त, राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो बस आएंगे और आपको चांस मांगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको वेट करवा रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा, मैं इतना बोल सकती हूँ। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे, बाय।